हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, BSNL का जो 4G है वो बहुत सारे एरिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। अभी अगर मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ तो 30% से अबव ऐसे एरिया हो चुका है जहाँ पर BSNL का 4G मिल रहा है और मैक्सिमम जगह के अंदर विथ वोल्टी मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि BSNL का जो 4G है वो अगर पूरे पैन इंडिया पे आने में अभी भी 3-4 महीने 5 महीने लग जाएगा, हाँ, तब तक तो पूरे इंडिया पे 5G तो चल ही रहा है, शायद 6G भी आ जाए। और अगर 6G चलेगा तो 4G का क्या करेंगे हम? आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि BSNL का जो 4G है वो 3-4 महीने के अंदर आने वाला है, लेकिन ये जो इंडिजिनियस वैसे BSNL का 4G कोर नेटवर्क रेडी किया गया ना, ये सिर्फ देश में नहीं बाहर के देश में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर अभी तक 4G लॉन्च नहीं हुआ है, वो लोग BSNL का ये वाला इंडिजिनियस वैसे रेडी किया गया 4G खरीदेगा। वहां से पैसा आएगा, इंडियन इकोनॉमी पे ग्रोथ दिखेगा आपको, ठीक है। दूसरा बात क्या होगा कि 4G अगर लॉन्च अभी हो जाता है या 3-4 महीने 6 महीने के अंदर भी हो जाता है ना, तब क्या होगा कि प्राइवेट कंपनी 6G 7G या जो भी लॉन्च करे वो अपने हिसाब से अपने मनमानी नहीं कर पाएंगे। रिचार्ज प्लान हाइक की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस हाइक नहीं कर पाएंगे। अचानक से प्राइस हाइक अगर कोई कर देगा तो वो लोग, मतलब वहाँ उनका जो कस्टमर्स है वो BSNL के पास आ सकता है, इनके पास एक ऑप्शन रहेगा। और इंडिया में 50 करोड़ से भी ऐसा लोग है, 50 करोड़ से भी ऐसा ज़्यादा लोग हैं जो लोग उतना नेटवर्क, मतलब उतना उनको अच्छा नेटवर्क नहीं चाहिए, उतना उनका मतलब इंटरनेट वगैरह नहीं चाहिए, वो सिर्फ कॉलिंग करना चाहते हैं बहुत ही कम पैसे से बस, ठीक है। तो वो लोगों के लिए BSNL बहुत मस्त होगा। और BSNL अगर इसी प्राइस पे अपना 4G लॉन्च करेगा और 5G भी अगर दे देगा ना, तो बहुत सारे लोग BSNL को कॉन्वर्ट कर लेगा। एक सिम तो BSNL का रखेगा ही रखेगा, क्योंकि ये देश का कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जब वो बाहर के हैं, सब बाहर के हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एयरटेल जियो की, मतलब एयरटेल भैया की बात छोड़ दीजिए, जियो की मैं बात कर रहा हूँ, जियो भी देश का कंपनी है, लेकिन BSNL एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का मामला ज़्यादा है। और उसके साथ साथ BSNL अगर रहेगा तो मार्केट में जो बैलेंस है ना वो रहेगा, इसीलिए BSNL का रहना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ 4G लॉन्च करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं, आप सभी लोग BSNL का 4G का इंतजार कर रहे हैं। तो BSNL जो है अपने हिसाब से काम कर रहा है, थोड़ा डिले तो चल ही रहा है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि डिले है, काम डिले है, लेकिन दिसंबर 2023 के बाद से BSNL थोड़ा बहुत स्पीड से काम कर रहा है, उनके काम पे थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है, ठीक है। दिवाली 2023 के बाद से काम शुरू हुआ है, लेकिन दिसंबर महीने के बाद से ही उनके काम पे थोड़ा स्पीड दिख रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम चल रहा है। और बहुत एरिया के अंदर 4G लॉन्च भी हो रहा है। 2-3 एरिया ऐसा है जहाँ पर कोई भी 4G नहीं था। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ का क्या होगा, यहाँ का क्या होगा, जैसे कि आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ के बारे में अपडेट आ चुका है। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई बटन पर मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सोनीपत के बारे में बात करता हूँ मैं। सोनीपत, हरियाणा का सोनीपत, यहाँ पर आज से 4-5 महीने पहले ही 4G आ चुका था। कुछ कुछ लोगों को मिल रहा था, कुछ कुछ लोगों को नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे थे, मैंने उनको कहा था कि आप 2-3 महीने या 1-2 महीने एटलीस्ट वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि काम चल रहा है तो इसीलिए आपको कभी कभार मिल रहा है, कभी कभार नहीं मिल रहा है 4G। आप वेट कर लीजिए 2 महीने, देखिएगा आपको मिलेगा। तो 3-4 महीने बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ पर 4G मिल रहा है, 4G मिल रहा है, उसके बारे में मैंने बताया था। अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये भी बता रहा था, मतलब आज से 1 महीने पहले भी ये बता रहा था कि वोल्टी नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर 4G स्पीड भी बहुत बढ़िया है, सबको मिल रहा है 4G और विथ वोल्टी मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से काम तो चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम रुका है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते और बहुत ही पिछड़ा हुआ, पीछे चले गए थे ना, इसीलिए इसको ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके साथ साथ इंडिजिनियस वजह से 4G लॉन्च हो रहा है, इसीलिए टाइम थोड़ा लग रहा है, डिले तो चल रहा है काम। और अगर थोड़ा स्पीड दिखा देता BSNL तो अच्छा लगता। आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह का वीडियो जानने के लिए, BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।